शिवाय। साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। आज हम यहाँ पर श्री सीता जी द्वारा सती अनसुईया से एक पतिव्रता और एक सती स्त्री के जो लक्षण हैं, जो पहचान है, जो उनके कर्म हैं, जो उनके धर्म हैं, जो सती अनसुईया जी ने सीता जी को उपदेश किया है और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा है, हम उसे यहाँ ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। रघुपति चित्रकूट बसी नाना चरित क्रिये सुते सुधा समन बहुरी राम यस मन अनुमान ओहि भीर सब ही मोहि जाना। ओ सकल मुनि निसन विदा कराई सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयउ सुनत महामुनि हर्षित भयउ। पुलकित गात अत्रि उठ धाए देखि रामु आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए ओ प्रेम बारि द्वजन भाए। देखि राम छवि नयन जुड़ाने सादर निज आश्रम तब आने। करि पूजा कही बचन सुहाए दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन आसीन भरि लोचन शोभा निरखी मुनिवर परम प्रवीन जोरे पानी स्तुति करत। नमामि भक्त वत्सलं कृपालु शील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां सुधामिदं। निकाम श्याम सुंदरं भवाम्बुनाथ मंदरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादितोषमोचनं प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभु अप्रमेय वैभवं। निशंग चाप सायकं धर्म त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनं महेश चाप खंडनं मुनींद्र संत रंजनं सुरारि वृंद भंजनं। मनोज वैरि वंदितं आजादि देव सेवितं विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापहं। नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्ति सानुजं शचीपति प्रियानुजं। त्वदंग्रि मूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवाण्णवे वितर्क वीच संकुले। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्त ये मुदा निरसिन्द्रियादिकं प्रियान्ति ते गति सुवकम्। तमेकाद्भुतं प्रभुं निराहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं। भजामि भावबल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं। स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमनोहं अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्मुर्विजापतिं। प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे। अपठन्ति ये स्तवं इदं नरादरेण ते पदम् व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। विनती करि मुनि नाहि सिरु
कह कर जोरि बहोरि, चरण सरोरु नाथ जनी कबहु तजै मति मोरि। अब अनसुईया जी ने सीता जी को जो उपदेश किया है वो चौपाइयां यहाँ वर्णित हैं, उन चौपाइयों को हम यहाँ आपको सुनाते हैं। अनसुईया के पद गह सीता, मिली बहोरि सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जेन तनु तनय अमल सुहाए, कह ऋषि वधु सरस मृदुवाणी, नारि धर्म कछु ब्याज बखानी, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी, अमित दान भरता बय देही, अदम सुनारी जो सेवन तेही। यहाँ पर ये गहन उपदेश है, आजकल की नारियों के लिए तो ये बहुत गहन उपदेश है, और इसे ग्रहण करना और अपने अंदर उतारना, ये जो सीता जी को उपदेश किया है, और सती व्रत का, पतिव्रता का ये एक ऐसा उपदेश है जो हर भारतीय नारी को, जिसने भी भारत में जन्म लिया है, उसे अपने अंदर इनको ग्रहण करना चाहिए। जो ग्रहण नहीं करती वो भारत की नारी नहीं है, न हो सकती है और न किसी जन्म में। तो इसमें है, अमित दान भरता बय देही, अधम सु नारी जो सेवन तेई, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखी चारी, और वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हुपति कर किए अपमान, नारी पाव जम पुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेम, कायम वचन मन पति पद प्रेम, जगपति व्रता चार विधि एहीं, वेद पुराण संत सब कहीं। अब उन्होंने यहाँ पर बता दिया, वृद्ध हो चाहे रोगी हो, और चाहे जड़ यानी मूर्ख हो, और चाहे धन से हीन हो, उसके पास कोई धन न हो, अंधा हो, बहरा हो, अत्यंत क्रोधी हो या अत्यंत दीन हो, ऐसे हु पति कर किए अपमाना, अगर ऐसे भी पति का कोई नारी अपमान करती है तो वह नार पाव जमपुर दुख नाना, यानी जमपुर यानी कि यम लोक में जा कर के उस नारी को नाना प्रकार के दुखों को भोगना होता है, नाना प्रकार के उसके पापों का दंड, उसको कई नरक की कोटियों से गुजरना होता है। एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम, जगपति व्रता चारि विधि अहई, वेद पुराण संत सब कहई। अब यहाँ अनुसुईया जी बताती हैं कि चार प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, तो उन्होंने जो चार प्रकार बताए हैं, अब उसे आगे सुनिए। उत्तम के अस बस मन माही, और सपने हुआ न पुरुष जग नाही, उत्तम के अस बस मन माही, और सपने हुआ न पुरुष जग नाही, और मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, और धर्म विचार समुझी कुल रही, और सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कही, बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने उधम नारी जग सोई,
और पति वंचक पर पति रति करई और रौरव नरक कल्प सत परई और छन सुख लाग जनम सत कोटी और दुख न समुझते ही समको खोटी। ये चौपाइयाँ नारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको इनको बड़ी गहराई से सुनना और समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो उन्होंने चार प्रकार की वो भेद बताए हैं, उत्तम के असबस मन माही और सपने उआन पुरुष जग नाही और मध्यम परपति देख ही कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे और धर्म विचार समझ कुल रहे ही सो निकिष्ट त्रिय सुत अस कहे ही और बिनु अवसर भयते रह जोई जाने अधिम नार जग सोई और पति बंचक परिपति रत करई रौरव नरक कल्प सत परई। पति द्वारा छोड़ दी गई हो या उसने पति को छोड़ दिया हो और दूसरे पुरुषों के साथ पर पुरुषों के साथ या पर पतियों के साथ जो संभोग करती है रति करती है, रौरव नरक कल्प सत परई क्षण सुख लाग, क्षणबल का सुख मिलेगा उसको, क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि और सात कोटियों जन्म तक दुख न समझते ही सम को खोटी। उस खोटी नारी के दुख को वह उस वक्त नहीं समझ पाती लेकिन आगे सब समझ में आ जाता है। और बिनु श्रम नारी परम गति लहई ओ पतिव्रत धर्म छाण छल गहई ओ पति प्रतिकूल जन्म जह जाई विधवा होए पाए तरुणाई। जो भी स्त्री पति के प्रतिकूल चलती है, पति के अनुकूल नहीं रहती, पति के बातों को नहीं मानती, विचारों को नहीं मानती, उसके विपरीत कर्म करती है, विपरीत बातें करती है, उसके बारे में अनुसुईया जी सीता जी को कह रही हैं, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई और विधवा होए पाए तरुणाई। वो हमेशा जैसे ही युवा होगी तुरंत विधवा हो जाया करेगी, उसको इस प्रकार के दंड मिला करेंगे। सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लही ओ जसुगावत श्रुति चारी अजहु तुलसी का हरिह प्रिय सुन सीता तब नाम सुमिर नारी पति व्रत करही तो ही प्राण प्रिय राम कहूं कथा संसार हित। सुनी जानकी परम सुख पावा सादर तासु चरण सिरुनावा तब मुनि सन के कृपा निधाना आयसु होई जाऊं बन आना ओ संत तमो पर कृपा करेहु सेवक जान तजेहु जन नेहु धर्म धुरंधर प्रभु कई बानी सुनि स प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जासु कृपा अज शिव सन कादि चैत सकल परमारथवादी ते तुम राम अकाम पियारे दीन बंधु मृदु वचन उचारे अब जानी मैं श्री चतुराई भजी तुमई सब देव बिहाई जे समान अतिशय नहीं कोई ताकर सील कसन अस होई ओ कई विधि कहो जाहु अब स्वामी कहो नाथ तुम अंतर जामी असि कह प्रभु बिलोक मुनि धीरा ओ लोचन जल बह पुलक शरीरा तन पुलक निरबर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए तन पुलक निरवर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए मन ज्ञान गुण गौतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई रघुवीर चरित पुनीत निसिदिन दास तुलसी गावई दास तुलसी गावई।
कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल। सादर सुनहि जे तिन पर राम रहहि अनुकूल। कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप ओ परिहर सकल भरोस राम ही भजैत चतुर तर। ओम ओम नमः शिवाय। 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 अब आज हम यहाँ श्री हनुमान चालीसा का उच्चारण प्रस्तुत कर रहे हैं। हम नरेंद्र सिंह तोमर आनंद अपने स्वर में भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में सादर दंडवत साष्टांग दंडवत करते हुए प्रणाम करते हुए और इस हनुमान चालीसा का यहाँ उच्चारण प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउ रघुबर बिमल जसु जुदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। ओम आंजनेयाय स्वाहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजय कांधे मूज जनेऊ साजे। अशंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। अविद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करि वे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनि वे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। ओलाय सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर शिउर लाए।